नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशि और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्वाद से सरतर। दोस्तों आज हम बनाएंगे जन्माष्टमी स्पेशल मेवा पाक। ये कृष्ण भगवान को भोग के रूप में चढ़ाया जाता है। ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है, इसे आप कभी भी बनाकर खा सकते हैं। ये एक तरह की बर्फी होती है। ये बर्फी भगवान श्री कृष्ण को बहुत पसंद है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। पहले सामग्री देख लेते हैं। 15 से 20 बादाम, 15 से 20 किशमिश, 15 से 20 काजू, एक मीडियम साइज़ का सूखा नारियल, 2 कप चीनी, 1 कप मखाने, 1/3 कप घी और 1/4 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। इतने सामान से हमारा पंचमेवा पाक बन जाएगा। यहाँ हमने आधे नारियल को कद्दूकस कर लिया है और आधे नारियल को काट लिया है। बादाम और काजू को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब पहले बर्फी को जमाने के लिए बर्तन तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम यहाँ बेकिंग टिन का यूज़ कर रहे हैं। आप इसकी जगह किसी प्लेट या टिफिन का यूज़ कर सकते हैं। हमने केक टिन में घी लगाकर रख लिया है। अब एक कढ़ाई को गैस पर गर्म होने के लिए रख देंगे। कढ़ाई में 2 चम्मच घी डाल देंगे। जब घी गर्म हो जाएगा तब उसमें बादाम को डालकर हल्का गोल्डन कलर आने तक सेक लेंगे। बादाम में बढ़िया खुशबू और कलर आ गया है। अब इसे कढ़ाई से बाहर निकाल देंगे। अब उसी कढ़ाई में पहले काजू को फ्राई कर लेंगे। अब इसे कढ़ाई से बाहर निकाल देंगे। फिर किशमिश को कढ़ाई में डाल देंगे। किशमिश फ्राई हो गई है, अब इसे भी कढ़ाई से बाहर निकाल देंगे। अब कटे हुए नारियल को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। देखिए दोस्तों, नारियल भी अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसे भी कढ़ाई से बाहर निकाल देंगे। अब कढ़ाई में 2 चम्मच घी और डाल देंगे। फिर उसमें मखाने डालकर भुनेंगे। दोस्तों मखाने भुनने की पहचान यही है कि भुनने के बाद उसका साइज थोड़ा छोटा हो जाता है और हाथों से अच्छे से क्रश होने लगता है। मखाने भुन गए हैं, अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और मखानों को बाहर निकाल देंगे। दोस्तों अभी कढ़ाई हमारी गर्म है, इसीलिए इसमें कसे हुए नारियल को भून लेंगे। नारियल कद्दूकस किया हुआ है, इसलिए ये बहुत जल्दी भुन जाएगा। दोस्तों अब पहले मखाने को क्रश कर लेंगे। आप चाहे तो हाथों से भी क्रश कर सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से क्रश हो रहा है। बहुत ही बढ़िया से मखाने हाथों से टूट रहे हैं। आप चाहे तो बेलन की सहायता से भी इसे क्रश कर सकते हैं। अब एक कढ़ाई को गैस पर रखेंगे, उसमें चीनी डाल देंगे और गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और चीनी का आधा पानी डाल देंगे और चाशनी को चलाते हुए पकाएंगे। देखिए दोस्तों, चाशनी गाढ़ी होने लगी है। हमने यहाँ चाशनी में इलायची पाउडर को डाल दिया है। दोस्तों हमने 1/3 कप घी लिया था, उसमें से भी थोड़ा सा घी बच गया है। हमें यहाँ एक तार की चाशनी बनानी है। इसे चेक करने के लिए एक छोटी कटोरी में चाशनी की कुछ बूंदें डालेंगे। ठंडा करके उसे अंगूठे और उंगली के बीच में रखेंगे। अगर एक तार बन रहा है इसका मतलब चाशनी तैयार है। यहाँ हमारी चाशनी तैयार है। अब इसमें तले हुए ड्राई फ्रूट्स को डाल देंगे। सभी सामग्री को चाशनी में अच्छे से मिला देंगे। देखिए दोस्तों, चाशनी जमने की फॉर्म में आने लगी है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और बर्फी को जमाने के लिए केक टिन में निकाल देंगे। अब बर्फी के ऊपर तुलसी के पत्ते लगा देंगे और 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट हो गए हैं और बर्फी जमने लगी है।
बर्फी के ऊपर हमने चाकू से निशान लगा दिया है। अब इसे जमने के लिए 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि बर्फी अच्छे से सेट हो जाए। 1 घंटा हो गया है, चलिए अब बर्फी को बाहर निकाल देते हैं। यहाँ हमने बर्फी पर कट पहले से ही लगा लिया था, इसलिए इसे निकालने में ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है। देखिए दोस्तों कितनी बढ़िया बर्फी तैयार हुई है, बहुत ही बढ़िया जम गई है। देखिए कितने अच्छे से अलग अलग हो रही है। इसे आप मेवा पाक बोलें या मेवे की बर्फी, ये बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। इस जन्माष्टमी ये बर्फी बनाएं और कान्हा जी को इसका भोग लगाकर उन्हें खुश करें। इस बर्फी को आप कभी भी बनाकर खा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप त्योहारों का ही इंतजार करें। दोस्तों अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाले सब्सक्राइब के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और उसी के बगल में 1 घंटी बनी हुई है उसे दबा दीजिएगा। इससे मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूंगी उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।